गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 7:30 बजे और आज जो है मौसम थोड़ा साफ ही नज़र आ रहा है। कल तो बारिश हुई थी, हल्के हल्के से बादल हैं लेकिन धूप भी निकल रही है। और यहाँ ये यमुना जी हमारे पीछे छत पे आज टहल रहे हैं। आज हम सुबह करनी थी मॉर्निंग वॉक, तो हम छत पे ही टहल रहे हैं। आज हम आपको अपने पूरे दिन का शेड्यूल दिखाएंगे कि हमने आज क्या क्या किया। चुके हैं किचन में, देखते हैं मैंगो का भरता और साथ में मिलाएंगे हम पर सबसे बड़ी समस्या हमारा चक्कू घूम रहा है। चक्कू तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना रूम साफ करूंगी। ये देखिए क्या हाल है मेरे रूम के। और कुछ लोग किचन में काम कर रहे हैं, सबको और दी खाना बना रहे हैं। आज बैंगन का देख सकते हैं हमारे घर में कैसे काम होता है। फुलौटी बिस्तरे में आलू की सॉरी मटर लौटने का काम हो रहा है। ये डांटने वाले थे यार, मैंने कैमरा ऑन कर लिया, बेचारे डांट नहीं पाए, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। आज हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने, तैयारी हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे सबको, और ये टेबल आया है और सबको तैयारी कर लिए। फूल बना रही है ये डिज़ाइन थोड़ा, और देखिए कैसा बनेगा फूल। तो फिर हम अब तैयारियां करने रूम से बाहर निकल गए थे क्योंकि रूम में ठंड लग रही थी। और सबको ने दो लड़कियां तैयार कर ली थी फूल की, सुबह से लगी हुई थी फूल बनाने में। फिर हमने सोचा कि ये कम हो जाएंगे थोड़ा, क्यों ना कुछ और बनाया जाए। तो फिर हमने सोच लिया कि अब हम दिल बनाएंगे सुंदर सा बीच के लिए, सेंटर के लिए। तो इसके लिए निधि और सबको फूल काट रही थी, तो और मैंने ये दिल काट लिया था गत्ते से, थोड़ा टेढ़ा बना था फिर भी बन चुका था। और निधि बहुत बारीकी से फूल चिपकाने का काम कर रही थी और सबको काटने का। फिर इसके बाद इन लोगों ने मुझे फूलों को चिपकाने का काम दे दिया था। फिर हम फाइनली दिल में लगा रहे थे फूल के चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे, बट ठहर गए थे ये, आधा हिल भी रहे थे। फाइनली बड़ी मेहनत से हमने अपना आज का टास्क पूरा किया और ये हमारा दिल बन के तैयार हो चुका था। और ये दो लड़के तो फाइनली हमारे बर्थडे की पूरी तैयारी हो चुकी थी और कुछ इस तरह की लग रही थी। ये हमारा प्यारा दिल हमने मिल के तैयार किया था। और हमारी बर्थडे गर्ल भी बर्थडे के लिए तैयार हो चुकी थी, जिसे हमारी मोनो आर्टिस्ट ने तैयार करा था।
हेल्प कर लूं। तो फ्रेंड्स ये बर्थडे गर्ल बड़ी एक्साइटेड होके अपने बर्थडे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हुए मेरी भगवान से यही दुआ है कि इनको जिंदगी में सारी खुशियाँ मिले, ये जो चाहे वो इन्हें अपनी जिंदगी में मिले और हमेशा ऐसे ही खुश रहें हंसते खेलते। तो फ्रेंड्स ये था आज का ब्लॉग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।